हरिओम, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं, जहां पर भगवान अब चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। अब त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, यह त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। भगवान अब त्याग के विषय में अपने निश्चय की बात कर रहे भगवान कह रहे हैं कि चूंकि इससे पहले यज्ञ, तप और दान की बात भगवान करते आए, तो त्याग के विषय में भगवान का निश्चय क्या है। निश्चय बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। निश्चय का मतलब है जो अंदर से बात उठ रही है। निश्चय बहुत गहरे स्तर पर व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे हमारे जीवन में भी जिन चीजों में हम निश्चय नहीं कर पाते, वो चीजें कभी भी सफल हो नहीं पाती, हम उसमें आगे बढ़ नहीं पाते। हमारा निश्चय नहीं है, हमने केवल देखा देखी, सोचा सोची, किससे कहा, किसी ने कहा, हम केवल उसके आधार पर कुछ निर्णय लेने लगते हैं, लेकिन अपने निश्चय के आधार पर हम निर्णय नहीं ले पाते। हमारे निश्चय हमारे निर्णय के आधार पर हो तो हमारा निश्चय कैसा है। निश्चय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निश्चय बहुत ही गहराइयों से पैदा होता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको कहा जाए कि चल तू यार ऐसा करना, तू साइंस साइड ले ले, अब उसने अंदर से सोचा नहीं कि साइंस साइड ले, अंदर से उसकी गहराइयों में साइंस है नहीं, ऊपर से कहा जा रहा है, तो ऊपर से जो आता है वो निष्कर्ष होता है, भीतर से जो आता है वो निश्चय होता है। भगवान कभी भी निष्कर्ष की बात नहीं करेंगे, भगवान निश्चय की बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि अब त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। ये जो त्याग है, चूंकि यज्ञ, तप और दान की बात हो चुकी, अब भगवान त्याग की बात कर रहे कि ये जो त्याग है ये भी तीन कैटेगरी का होता है। त्याग भी सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। सात्विक त्याग का मतलब है कि जब अंदर पूरी तरह से विवेक जगा है, प्रेम है, ज्ञान है, शुद्ध भाव है, पूरी तरह से अनासक्त हुए हैं, हम निरअहंकार की स्थिति हमारे अंदर पैदा हो गई है, अब जो त्याग होगा वो सात्विक त्याग। वास्तविकता में त्याग सात्विक ही होना चाहिए। त्याग का मतलब है उससे ऊपर उठ जाना। ऐसा नहीं कि हमने त्याग दिया और फिर हमारे मन में वही बात चल रही है, क्यों त्यागा, क्यों छोड़ा। सात्विक त्याग का मतलब है कि सतो गुण बढ़ा हुआ है और अब त्याग का भाव अंदर पक्का है। चाहे वो संन्यास में जाना हो या जीवन का कुछ भी ऐसा कार्य जिसको त्याग ना हो, वो सत्गुण के आधार पर हो, रज और तम के आधार पर नहीं होना चाहिए। अक्सर हमारे त्याग रज या तम गुण के आधार पर होते हैं, सत्गुण के आधार पर नहीं होते, इसलिए वो जो त्यागा जाता है वही बांध लेता है, वही फंसा लेता है, वही अटका लेता है। सत्गुण का मतलब है एक संतुलन की प्रक्रिया, एक बैलेंस हो जाता है। ऊर्जा जब बैलेंस तरीके से हमारी बहनी शुरू हो जाती है, ऊर्ध्वगमी होने लगती है, तो अब जो निर्णय आते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, क्योंकि अब सत्गुण के आधार पर हम आसक्त नहीं अनासक्त की तरफ जाने लगते हैं। रज और तम तो बांधने का काम करते हैं, फंसाने का काम करते हैं, आसक्त करते हैं, राग और द्वेष पैदा करते हैं, लेकिन सत्गुण तो ऊपर उठाकर हमको संतुलित करके
अनासक्त करने में लग जाता है। और जब लगने लगता है कि इतना सब इकट्ठा भी किया है, इकट्ठा कर भी लूंगा तो उससे होगा क्या, आखिर इस ग्रहण से होगा क्या, सब तो जीरो ही है, सब तो बेकार ही है, आखिर में एक दिन तो बेकार ही हो जाने वाला है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, लक्ष्मी चंचला होती है, यहां सब परिवर्तनशील है, कितना भी इकट्ठा कर लो एक ना एक दिन खो जाएगा, रल जाएगा, छिन जाएगा, लुट जाएगा, किसी ना किसी रूप में उसका नाश होगा ही होगा। सत्गुण ये ज्ञान पैदा कर देता है कि उसका ग्रहण क्यों करें जो जीरो हो जाए, उसका ग्रहण करें जो मेरे साथ लंबे समय तक रहे। तो सत्गुण त्याग का मतलब है कि सत्गुण के आधार पर हमने अपने स्वरूप को अनुभव किया है और उसमें जो रुकावटें पैदा कर रही थी उनका त्याग किया है। रुकावटें पैदा करती है अपने स्वरूप के लिए हमारे विकार, हमारी वासना, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, राग और द्वेष, ये रुकावटें पैदा करती हैं अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए। जो रुकावटें पैदा करे उसी को छोड़ो। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, जो चीजें रुकावटें पैदा करेंगे उनको छोड़ेंगे ना। आप यात्रा पर निकले हैं, यात्रा पर निकले हैं आप, पहाड़ की चढ़ाई है, खुद ही चढ़ना है, तो अनावश्यक बोझ को तो आप उतार के चले जाए, उसका तो त्याग होता चला जाएगा। वो अब डिमांड हो रही है कि त्यागो, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ ही देंगे, खुशी खुशी छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर मंजिल पर पहुंचना है। वो त्याग बहुत ही सहजता से होगा, जैसे मक्खन से बाल निकल जाए, इतनी सहजता से होगा। सत्गुण में त्याग बड़ी सहजता से हो जाता है, रज और तम गुण में त्याग बड़ी कठिनता से होता है, होता ही नहीं। तो जब हम संतुलित हो जाते हैं, रज और तम का संतुलन सत्गुण पैदा करता है, जब हम संतुलित और बैलेंस होते हैं, तो बैलेंस की स्थिति में जो भी हमसे होता है वो बेस्ट होता है। तो जो त्याग होगा, जो भी हम त्यागेंगे, आखिर त्यागना तो होगा इतना। जैसे सुबह के समय हम मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, फिर गर्मी एक्सरसाइज करके पसीने का त्याग होता है, प्रश्वास का त्याग होता है, नेगेटिव विचारों का त्याग होता है, हम तो त्याग ही रहे हैं ना वो चीजें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, शरीर के लिए अच्छी नहीं है, शरीर में उपद्रव पैदा कर देंगे, उनको त्याग देना चाहिए। अब कमरे में मच्छर घुसा है तो त्यागोगे ना, हटाओगे ना उसको। लेकिन मन में हमारे वो विचार, वो ख्याल जो नेगेटिव है, हम उनको त्यागते ही नहीं, वो जगत के विचार में उलझे रहते हैं, वहीं आ सकते हैं, वहीं अहंकार पड़ा है, वहीं कोई मोह चिपका हुआ है, वो हम निकाल ही नहीं पाते अपने आप को वहां से, तो वो त्याग सत्गुणी नहीं होगा। जैसे ही सत्गुण में आएंगे, ये विकार अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। अब जो भी होगा, चूंकि हम जान गए हैं कि सब त्यागने योग्य ही है, क्या क्या ग्रहण करूं कुछ स्थिर दिखता ही नहीं, सब जाने ही वाला है, ये सत्गुणी त्याग होने लगता है। और सत्गुणी त्याग ही त्याग होता है, बाकी तो त्याग केवल नाम का त्याग। वैसे तो ना त्याग है ना ग्रहण है, जब आत्म भाव में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले त्याग की आवश्यकता होती है और फिर अंतरतम में अपने ही स्व के भाव को ग्रहण की आवश्यकता होती है। लेकिन स्थूल जगत में हम देखें तो क्या ग्रहण करूं और क्या त्याग करूं, सब यही तो है। मेरे मन में ग्रहण होता है, मेरे मन में त्याग होता है, और यदि मन ही उलझा हो तो त्यागा का, तो सत्गुणी त्याग ऊंचा त्याग है, लेकिन रजोगुणी त्याग जो है वो दुख पूर्वक होता है। हम चाह नहीं रहे थे देना, छोड़ना, लेकिन छोड़ना पड़ गया। घर परिवार सब ठीक था, लेकिन बस छोड़ना पड़ गया किसी कारण से ना, बस उलझ गए, छोड़ना पड़ गया। व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा था, बस ना उसमें किचकिच इतनी थी कि छोड़ना पड़ गया।
ये रजोगुणी त्याग है, वो किचकिच से बचने के लिए हम छोड़ रहे हैं, वो कलह से बचने के लिए हम दूर हो रहे हैं, हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं उस कलह से, उस किचकिच से, हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुख पूर्वक त्याग हम हमारे साथ चिपका रहेगा। त्याग कभी भी दुख पूर्वक ना हो। और अक्सर सबसे पहले हम जहां भी हमको लगता है कि किचकिच है, ये तो झगड़ा है, ये तो परेशानी है, ये तो टेंशन है, ये तो सब शरीर की शक्ति को खा लेगा, अरे छोड़ो त्याग करो इस चीज का, हम दुख पूर्वक त्याग करने लगते हैं, क्योंकि वहां से दुख आ रहा है। और जब त्याग कर भी देते हैं तो मन में वही टिक टिक चलती रहती, वही टिक टिक चलती रहती, जिसको छोड़ोगे वही चलेगा, क्योंकि दुख पूर्वक छोड़ा था वो अपने आप छूटा नहीं था। सत्व गुण में अपने आप छूट जाता है, रजोगुण में दुख पूर्वक छोड़ना पड़ता है। चाह नहीं रहे थे लेकिन छोड़ना पड़ा। और तम गुण में वो जो त्याग है वो तो पूरी तम गुण का त्याग होता है, पूरी तरह से अज्ञानता में पूरे मोहों के आधार पर त्याग होता है। वो त्याग ऐसे ही है कि जैसे हिंसा का त्याग कर रहे, हिंसा से त्याग कर रहे, लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, वो व्यापार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, वो सब छोड़ देते हैं, गुस्से में, नाराजगी, द्वेष में, विद्रोह में, संघर्ष में त्याग तो करते हैं। रजोगुण में वो त्याग करके वहीं रहेगा, लेकिन तमोगुण वाला तो पूरी कहेगा कि नहीं मैं तो निकला, वो निकल जाएगा। और अधिकतर लोग ऐसे ही संन्यास भी ले लेते, वो कहते आश्रम में जाके रहेंगे ना, वहां आराम से सुकून से रहेंगे। जब तमगुण ही अंदर था तो वो तो जहां जाओगे वहां भी तमगुण ही तो होगा, रजोगुण है तो रजोगुण होगा, सत्वगुण है तो सत्वगुण होगा, जहां जाओगे मन भी तो साथ चलेगा, तन भी तो साथ चलेगा, स्वभाव भाव और विचार भी तो साथ चलेंगे, तो जहां जाओगे वही विचार तो तैरेंगे। हिमालय की चोटी पर जाकर अपने आश्रम को बना लें, कुटिया को सजा लें, लेकिन मन तो वही जगत वाला, वही ख्याल वाला, वही विकार वाला चलेगा साथ। त्याग तो उस मन का है, उस वृत्ति का है, उस विचार का है। तमोगुणी त्याग में पूरी तरह से विद्रोह के साथ त्याग होता है, और अक्सर व्यक्ति विद्रोह के साथ ही त्यागते हैं, घर परिवार को भी छोड़ते हैं, विद्रोह के साथ छोड़ते हैं। त्याग होता है मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, हम बोल देते हैं उल्टा सीधा सब। वो जो त्याग हो रहा है वो तम गुण का त्याग है। हम नाराज हो जाते हैं आपस में, हम बात नहीं करेंगे, वो तम गुण की बातचीत का त्याग किया जा रहा है, तम गुण के आधार पर हो रहा है, और ज्यादा बिखर जाता है। और सबसे ज्यादा व्यक्ति तम गुण का त्याग करते हैं, उससे थोड़े कम रजोगुण का त्याग करते हैं, और बहुत कम मात्रा होती है जो सतोगुण के आधार पर त्यागते हैं, क्योंकि अधिकतर सतगुण तो हमारे अंदर उभर ही नहीं पाता। जब वो होता है तो क्षणिक होता है, और उस सतोगुण को हम ठहरा नहीं पाते, हम उसको हिलाते हैं, हम उसमें हलचल पैदा करते हैं। इसलिए सुबह के समय सतोगुण जब बढ़ा हुआ होता है तो हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ व्यापार के बारे में सोचेंगे, हम कुछ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हम कुछ न्यूज देखेंगे, हम कुछ और चर्चा करेंगे, घर में बैठकर कुछ और बातें कर लेंगे इधर उधर की, था सतगुण का समय। लेकिन हमें रास नहीं आता सतगुण, हमें मजा ही नहीं आता, हमें तो तड़क भड़क में मजा आता है, हमें तो लड़ाई झगड़ों में मजा आता है, हमें तो मन के दौड़ाने में मजा आता है, हम तो उलझनों को सुलझाने में मजा आता है, हमें संघर्ष में मजा आता है, हमें तर्क वितर्क में मजा आता है, हमें कुतर्क में मजा आता है। तो जब मजा उसमें आता है तो सतगुण आता भी है लेकिन वो ठहरता नहीं है, वो फिर चला भी जाता है। ये तो एक अवस्था है, जब वो आती है तो उसमें अपने आप को टिकाना होता है, ठहराना होता है, स्थित करना होता है। और सतोगुण में स्थित करने के लिए हम अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, एकाग्रता को लेकर आते हैं, क्योंकि सतोगुण और कुछ नहीं, एक संतुलन की स्थिति है। जिस पल हम पूरी तरह से संतुलित हो गए हैं, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, समझो कि सतोगुण पैदा हो गया। तो सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमगुणी त्याग, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा निश्चय है कि त्याग भी तीन प्रकार का कहा गया है। आगे 18वें अध्याय का
ये पांचवा श्लोक, तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें तो करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ तप और दान तीनों ही बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले। अभी जो यज्ञ तप और दान है, इनको नहीं त्यागना, इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये तो ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए, संतुलित करने के लिए, जीवन को ऊंचे स्तर पर जी जाने के लिए, जीवंतता को अनुभव करने के लिए, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए और जीवन को सही प्रकार से जी जाने के लिए, सही प्रकार से एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए, एक अच्छे मनुष्य और इंसान बनने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यज्ञ तप और दान एक चरित्र का निर्माण करते हैं, एक नैतिक, एक मॉरल वैल्यूज को ताकत देते हैं, बल देते हैं, एक ऊर्जा की दिशा को व्यवस्थित करते हैं, एक सोचने समझने की प्रक्रिया को सही दिशा देते हैं, हमारे चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, चिंता से उठाकर चिंतन में ले आते हैं। उम्र को लंबा करना हो तो यज्ञ तप और दान करें, जीवन को सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेम और प्रसन्नता के साथ जीना हो तो यज्ञ तप और दान करें, शरीर के स्वास्थ्य को, मन के स्वास्थ्य को, भावनाओं के स्वास्थ्य को बढ़ाना हो तो यज्ञ तप और दान करें, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनकर एक प्रकृति के नजदीक और सबके बारे में सोचने का भाव प्रबल करना हो तो यज्ञ तप और दान करें, अपना विस्तार करना हो, फैलाव करना हो, समष्टि चेतना के साथ अपने आप को एकाकार करना हो तो यज्ञ तप और दान करें। ये यज्ञ तप और दान ये वो अभ्यास हैं जिनसे जो वेद कहते हैं जीवेम शरदः शतम, कि 100 सालों तक जियो, यज्ञ तप और दान इन कर्मों के माध्यम से हम 100 सालों तक जी सकते हैं। चूंकि ये तीनों कर्म ऐसे हैं जो संतुलन देते हैं, जीवन एक संतुलन है, असंतुलित होते ही जीवन दिखता है लेकिन जीवन होता नहीं, जीवन का होना और जीवन का दिखना दो अलग बातें, बड़ा घर होना और बड़े घर में शांति प्रेम सौहार्द होना दो अलग बातें, हट्टा कट्टा शरीर होना और अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ होना ये दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग बातें होती हैं। तो यज्ञ तप और दान एक ऐसी अनूठी टेक्निक्स है, टूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, साधनाएं हैं, जिनको व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं। और भगवान इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि बुद्धिमानों को ये पवित्र कर देती है। जो बुद्धिमान है वो नहीं छोड़ेगा यज्ञ तप दान। और बुद्धिमान कौन है? जिसकी बुद्धि वास्तविकता में अपने स्वरूप की तरफ लगे वो बुद्धिमान है, और जिसकी बुद्धि केवल जगत की तरफ लगे वो मंद बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग सबसे निचले स्तर के लिए किया गया है, ऊंचे स्तर के लिए नहीं किया गया। बुद्धि मिली है यज्ञ तप और दान के लिए, और यज्ञ तप और दान उसी बुद्धि को और पवित्र और प्यूरिफाई और प्यूरिफाई पूरी तरह से विमल कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, मल रहित कर देंगे। उस बुद्धि में जो कभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दौड़ रहा था यज्ञ तप और दान, वो जो बुद्धि में विकार थे उसकी भी सफाई कर दे। आप यज्ञ तप और दान करते चले जाओ, पूरी तरह से हमारा इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, हर स्तर पर एक सफाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चित्त साफ होने लगता है। क्या है ये यज्ञ तप और दान? यज्ञ का मतलब है जो कार्य सबके लिए किया जाए, सबकी भलाई के लिए किया जाए, उसे यज्ञ कहते हैं। अभी तो हमें अपने से ही फुर्सत नहीं, सुबह से लेकर रात तक बस अपना अपना अपना, वो 2-4 लोग और वहीं पर पूरा जीवन बीत जाता है। इतना ऊंचा जीवन हम बिता देते हैं, वहीं राग और द्वेष पालते हैं। यज्ञ का मतलब है अपने आप को उपयोगी बनाओ। परमात्मा ने जो भरा है हमारे अंदर वो केवल अपने लिए नहीं भरा,
वो सबकी भलाई के लिए भरा है और सबके अंदर सब भरा है। एक दूसरे की भलाई का भाव जब होता है, तो जब मैं आपकी भलाई के भाव में हूं तो मेरा ये यज्ञ है, आप मेरी भलाई के भाव में हैं, आपका यह यज्ञ है। एक दूसरे की भलाई का भाव रखते हुए दोनों यज्ञ के कर्म कर रहे होते हैं। तो यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, वो तो वहां तक के लिए होता है जिनको हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, नाम रूप भी नहीं देखा, उनकी भलाई भी हमारे अंदर उठे। अभी तो हम कहते हैं कि भैया हमारी भलाई बता दो, मेरा प्रॉफिट इसमें क्या है, मुझे फायदा बताओ। पहले एक बुद्धि ऐसी हो जाती है जो हमेशा फायदा देखती, जो लाभ ही ढूंढती रहती, जैसे गिलहरी हमेशा खाना ढूंढती रहती है, ऐसी कुछ बुद्धियां ऐसी होती हैं जो केवल प्रॉफिट में घुसी रहती, वो कभी भी यज्ञ की तरह कार्य नहीं कर सकती। और वो ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा दुख की तरफ जाएगा, परेशानी की तरफ जाएगा, उलझन की तरफ जाएगा, क्योंकि एनर्जी ड्रेन हो रही है, एनर्जी बिखर रही है, एनर्जी निकल रही है। जब हम केवल स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं तो एनर्जी बहती है, जब हम सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं तो एनर्जी इकट्ठा होती है। जैसे चिंता, अपने लिए चिंता होगी, सबके लिए चिंतन होगा, चिंता एनर्जी को बहा देगी, चिंतन एनर्जी को संचय कर देगा। यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिससे हम कर्म भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ऊर्जा को इकट्ठा भी कर रहे हैं, चूंकि और वही ऊर्जा हमें पवित्र करे, शुद्ध करे, प्यूरिफाई करे। जैसे अग्नि में लोहार की धोकनी होती है, उसमें वो लोहा डालता है तो लोहा बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है, मतलब वहां पर जो और बेकार के मल थे उसमें इकट्ठा, वो सब साफ हो जाता है, अग्नि सफाई कर देती है धातुओं की। ऐसे ही जब हम यज्ञ के कर्म करते हैं, ऊर्जा बढ़ती है, तो वो ऊर्जा अंदर के जो भी अपवित्रताएं हैं उनकी सफाई कर देती है। लेकिन यज्ञ के भाव को अपने अंदर हमें बढ़ाना होगा। अब जैसे प्रकृति है वो यज्ञ के भाव में है सबके लिए, हम कहां, हम तो प्रकृति का भी दोहन ही करने पे लगे रहते, प्रकृति की भी संभाल हमारे से होती कहां। प्रकृति से जीवन है, प्रकृति से सांसें हैं, अन्न है तो जल है, सब कुछ प्रकृति से है, लेकिन प्रकृति के लिए कोई हमारा भाव भी नहीं। हम प्रकृति के लिए हम यज्ञ का भाव रखें, सब जीव जंतुओं के लिए यज्ञ का भाव रखें, सब के लिए रखें, वो गिने चिने चार लोगों से निकलो तो यज्ञ का भाव हो ना, हम तो फंस गए वहीं पर, जैसे उलझा लिया और रस्सी बांध ली वो पांच लोगों ने और वहीं पर बस धक्का मुक्का कर रहे हैं। वही ऐसे ही होता है, हमारा एक छोटा इनर सर्किल होता है और पूरा जीवन धक्का मुक्की, वहीं रस्सा कसी, वहीं राग द्वेष, वहीं झगड़े और वहीं प्यार, बस उसी में करते करते हमारा जीवन ऐसे निकल जाता। सबसे निचला स्तर जीवन का है जहां यज्ञ नहीं होता। दूसरी बात है तप। जैसे यज्ञ सबके लिए है, तप मेरे लिए, तप है ऐसे कार्य करना, वो कार्य करना जिससे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर, मन का स्वास्थ्य बेहतर हो, बौद्धिक स्वास्थ्य बेहतर हो, भावनाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर हो। हर स्तर पर ये शरीर का स्वास्थ्य मुझे अध्यात्म की तरफ ले जाए, मन का स्वास्थ्य अध्यात्म की तरफ, बौद्धिक स्वास्थ्य अध्यात्म की तरफ, भावनात्मक स्वास्थ्य भी अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला हो। तप का मतलब है जो बाहर की तरफ हम लगातार अपने आप को उलझाए हुए हैं, अपने को समेटो, ऊर्जा को संचय करो, एकत्रित करो और इस शरीर का स्वास्थ्य की वृद्धि करने की कोशिश करो। तप मतलब तपाओ, तपाओ अपने को जिससे स्वस्थ रहे हम। यज्ञ तब कर सकते हैं जब स्वस्थ हो हम, तो स्वास्थ्य, शरीर का स्वस्थ होना यज्ञ के माध्यम से, कि क्या खा रहे हैं हम,
तो जीभ को लग रहा है रसगुल्ला अच्छा, लेकिन मोटा भी पेट हो गया है, डायबिटीज भी है, रसगुल्ला नहीं खाना है। तो अब हम उससे अपने आप को हटा रहे, हम उन भोजन से हटाएं अपने आप को, उन क्रियाकलापों से हटाएं अपने आप को, उन दिनचर्याओं में किए जाने वाले छोटे मोटी एक्टिविटी से हटाएं अपने आप को जो हमें हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ बहाने में लगी। इसको तप कहते हैं। या ऐसे समझे कि जैसे रात को सोने से पहले हम सारे घर के जाली वाली सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, मक्खी मच्छर ना घुसे, तो घर के लिए वो एक तप हो गया कि बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आएगी, ना चोर आ सकता है, ना चूहा आ सकता है, ना बिल्ली आ सकती है, ना मक्खी मच्छर आ सकता है। इस तरह से आपने सब दरवाजों को सील कर दिया। तब भी ऐसे ही अपने सारी आंख नाक कान मुंह हाथ पैर जो भी इंद्रियां मन जहां जहां से ऊर्जा बाहर की तरफ बह सकती है उन सब द्वारों को सील कर दिया। तप मतलब उन द्वारों को रोक देने की क्रिया है जहां से ऊर्जा बाहर बह रही है, और जब ऊर्जा बाहर बहना बंद कर देगी तो ऊर्जा तो अंदर ही बहेगी ना। अब वो ऊर्जा अंदर बहने लगी, अब वो जो ऊर्जा इकट्ठी होकर जब अंदर बहेगी तो वो क्या करेगी, वो हमें हमारे स्वरूप के साथ ले जाएगी, जिसको ध्यान कहते। तप ध्यान के लिए है। यदि ऊर्जा का ही संचय नहीं किया तो ध्यान में आप बैठे रहो तो मन तो भाग रहा है इधर से उधर। तपाओ, यज्ञ के भाव में आओ तो हम ध्यान कर पाए, अन्यथा ध्यान लग ही नहीं सकता। ध्यान के लिए जरूरी है ऊर्जा का होना, शक्ति का होना, ताकत का होना। तप यही कार्य करता है जो हमारे शरीर को तपाता है, उसके स्वास्थ्य को वृद्धि करता है। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर बहुत ज्यादा थुलथुला हो गया, मोटा हो गया, बिखर गया, लटक रही हैं गाले भी, पेट में भी थुलथुलापन है, चलते हुए भी कमर साइड से हिल रही है, जंघाएं भी मोटी होती जा रही हैं, आपस में टकरा रही हैं चलते हुए, पैर आंडे बांडे से पड़ रहे हैं, शरीर सब बिखरा हुआ, ध्यान ही नहीं दिया है। अब हमें शरीर को फिर से ध्यान देना होता है, उसकी काया को कल्प करना होता है। तो अब हम तप करते, क्या तप करेंगे हम, अब डाइट को ध्यान देंगे, जीभ को, अब हम एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, शरीर को पूरी तरह से तपाएंगे, दिनचर्या को ध्यान देंगे, नींद को ध्यान देंगे, अर्थात जो प्रैक्टिस अब की जा रही है वो सब तप कहलाएगा, क्योंकि अब कुछ साधा जा रहा है, ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है अपने स्वास्थ्य को। जीवन में जो भी कुछ ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, ऊर्ध गति ऊर्जा को दी जा रही है, वो तप के माध्यम से संभव है। तो इसलिए तप जो है वो बुद्धि को और पवित्र कर देगा। और दान मतलब देने का भाव हो, यहां तो लेने के भाव से ही हमारा पीछा नहीं छूटता, कैसे मिल जाए और कैसे मिल जाए, लेने लेने में हम सुबह से लेकर रात तक। देने के भाव कितने दिन में आते हैं और लेने का भाव कितना आता है दिन? यहां लिया जा रहा है, प्रकृति से लिया जा रहा है, समाज से लिया जा रहा है, हर जगह हम चाहते हैं कि बस मुझे कैसे मिल जाए, सरकार मुझे क्या दे रही है, घर वाले मुझे क्या दे रहे हैं, रिश्तेदार क्या दे रहे हैं, बस हम देखते रहते हैं क्या मिल रहा है, लेना लेना लेना। क्या होगा उस लेने से? लेने से हम संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, गठरी से बन जाते हैं, जैसे मुट्ठी को बांध ली, बांधे रहो मुट्ठी, मुट्ठी बांधे रहने से, बांधे ही रहने से धीरे 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 थक जाएगा हाथ, छोड़ना पड़ेगा। ये बांधने की प्रक्रिया हमेशा के लिए नहीं हो सकती। हाँ, हाथ खुला है, पूरा जीवन खुला रह सकता है, जरूरी नहीं कि आप बांधो, खुला रह सकता है लेकिन बांधा नहीं जा सकता। दान खुल जाने की प्रक्रिया है, देना खुल जाने की प्रक्रिया है, लेना सिमट जाने की प्रक्रिया है। अपने को सिमटाओ नहीं, अपने को फैलाओ, अपने को फैलाओ, फैलाओ अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को फैलाओ। देने की प्रक्रिया दान है। दान मतलब दे रहे हैं, ये छोड़ने वाला कर्म नहीं, ये तो करते जाने वाला कर्म। और ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो फिर वो
फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं। ये तो लगातार जब ले रहे हो लगातार, तो दे क्यों नहीं रहे हो लगातार? जो है देव, देव ज्ञान को, देव शिक्षा को, देव अपने स्किल्स को, देव जो है धन है तो धन देव, जो भी कुछ है उसे बांटो, सबके लिए उपयोगी कर दो। मतलब मेरा जो है वो सबके लिए उपयोगी हो, केवल मेरे तक ही सीमित क्यों रहे? क्योंकि वास्तविकता मैंने कहा है वो मेरा है नहीं, यहीं से तो मिला है। मेरा होता तो साथ लाता, मेरा होता साथ ले जाता, यहीं मिला यहीं छूट जाएगा, मेरा है कहां? मेरा है भी नहीं तब भी हमने लेने के भाव को ही पक्का किया हुआ है, देने का भाव तो हमारे अंदर है ही। देने का भाव खुल जाने की प्रक्रिया है, लेने का भाव बंधन की प्रक्रिया है, एक बांधता है और एक मुक्त करता है, एक शुद्ध करता है एक अशुद्ध करता है, एक पवित्रता की तरफ ले जाता है एक अपवित्र कर देता है। देने का भाव ऐसे ही है जैसे नदी बह रही, बहता पानी निर्मला रुके सो गंदा होए। पानी बह रहा है, दिया जा रहा है, पेड़ फल दे रहे हैं, देखो कैसे खड़े रहते नाचते रहते, सूरज दे रहा है खड़ा है, हवाएं दे रही हैं, बस दे रही, ले कुछ नहीं रही, वो तो सब पूरी प्रकृति दान में है, हम ही हैं जो लेने में, सब दे रहे। भगवान कह रहे हैं यज्ञ तप और दान, इन तीनों को कभी छोड़ना नहीं है भैया, और ये तीनों जो हैं वो बुद्धिमानों को पवित्र कर देंगे। एक और श्लोक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और श्लोक छठा है 18वें अध्याय का। अतः हे पार्थ, इन तीनों कर्मों को तथा अन्य कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। इतना जोर भगवान ने कभी दिया नहीं जो जोर यहां पर दे रहा है। निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। क्या है उत्तम मत? कि जो यज्ञ तप और दान है ये करते रहना, और इसके अलावा जो और कर्तव्य कर्म है जीवन में, कर्तव्य कर्म एक होते काम्य कर्म, एक होते कर्तव्य कर्म। काम्य कर्म जो इच्छा और कामना से उठते हैं वो काम्य कर्म कहलाते हैं, कर्तव्य कर्म जो अंदर से उठते हैं वो कर्तव्य कर्म कहलाते हैं, जहां पर जो करना ही है वो कर्तव्य कर्म कहलाएगा, जो उस समय के लिए किया जाना जरूरी है वो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होते हैं। अब बच्चा घर में जन्मा है, अब आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य कर्म कि उसका ध्यान देना। आपने व्यापार को बड़ा किया तो आपका कर्तव्य कर्म है कि व्यापार को ध्यान देना। ये शरीर है, इस शरीर का रखरखाव करना है, तो इसका हमारा कर्तव्य कर्म है कि इसका रखरखाव करना है। क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है कि वो बल के माध्यम से रक्षा करे, आक्रमणकर्ताओं का नाश करे, ये उसका कर्तव्य कर्म है, जिसको भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं तू अपना कर्तव्य कर्म कर और युद्ध करना तेरा कर्तव्य कर्म। क्योंकि वो क्षत्रिय है, यदि अर्जुन ब्राह्मण होता तो उसे कहते तो ज्ञान दे, तो ज्ञान सुन और ज्ञान बांटना शुरू करना, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य कर्म। यदि वैश्य होता तो कहते तो ज्ञान सुन लेकिन उसके बाद तू अपना व्यापार करना जरूर, उसे जारी रखना, व्यापार ना छोड़ देना, क्योंकि वो तेरा कर्तव्य कर्म। यदि शूद्र सुन रहा होता तो उससे कहते तू सेवा में जरूर लगना, क्योंकि वो तेरा कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म अर्थात जो डीएनए में है, जो बहुत ही गहरे इनवाइब में हमारे अंदर समाया हुआ है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, वही है वास्तविकता हमारी। उस कर्मों को जो हम करने लगते हैं वो हमारे कर्तव्य कर्म हो जाते हैं, और वो कर्म समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी होते हैं, ना कि समाज को विध्वंस करने में सहयोगी होते। तो यज्ञ तप और दान और कर्तव्य कर्म, ये जो कर्म है ये फल की इच्छा के बिना। अब ऐसा नहीं कि भैया हम यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे क्या फल मिलेगा, पहले फल बताओ, अच्छा इस तप से क्या होगा, अच्छा दान करूंगा तो फिर क्या फायदा होगा इसका,
हम पहले फायदा देखते हैं, जैसे फायदा देखा वहीं वह कर्म निचले स्तर का हो गया। फायदा क्यों देख रहे? कभी परमात्मा की पूरी प्रकृति फायदा देखने में लगी रहती कि मैं पेड़ कहते मैं ऑक्सीजन दूंगा तो क्या फायदा होगा, नदी कहे मैं बह रही हूं तो क्या फायदा होगा, सूरज कहे मैं चमक रहा हूं धरती को जीवन दे रहा हूं तो क्या फायदा होगा मेरा। ये फायदा की जो बातें हैं ना, ये हमारी इंसानी फितूर है, फितरत है, ये बहुत ही ज्यादा हमको उलझाते हैं, इसलिए हमारा इतना ज्यादा मानसिक तनाव गड़बड़ा गया। सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त यदि कोई धरती पर है तो मनुष्य है, बाकी तो सब कहां अस्त व्यस्त है, हम ही हैं। जानवरों से भी बदतर, हमने अपने आप को केवल फायदे के कारण से बना लिया है, क्योंकि वहां पर हम बिल्कुल अपने में सिमट गए। फायदा हमें अपने की तरफ ले जाता है, बिल्कुल स्वार्थ की तरफ ले जाता है, इच्छा की तरफ ले जाता है, वासना की तरफ ले जाता है, विकार की तरफ ले जाता है। फायदा दुखों की तरफ ले जाता है, मौत की तरफ ले जाता है। इसलिए फल का त्याग, फल कब हावी ना उठे, यज्ञ करो, यज्ञ के लिए यज्ञ हो, तप के लिए तप हो, दान के लिए दान हो, ना कि दान से कुछ फायदा चाहिए इसलिए दान है। तो फल की इच्छा के बिना, और दूसरी बात कह रहे हैं आसक्ति। अब आसक्ति भी ना कर बैठना, यज्ञ किया था और उससे आसक्ति हो गई और सबको जाके सुना रहे हैं मैंने ये काम किया, मैंने धार्मिक अनुष्ठान किया, मैंने तीर्थाटन किया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने आश्रम बनवाया, मैंने तो प्याऊ लगवाया था, मैंने तो वहां पर लंगर खुलवाया था, मैंने तो गाय को चारा खिलाया था। बस ऐसे करते हैं हम, कहीं कुछ करने लगते हैं तो फट फट फोटो खींच लेते हैं और सब जगह अपना सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। सबको पता लगना चाहिए आज मैंने यज्ञ किया है, बड़े यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। मंदिर भी कहीं जाएंगे तो एकदम फट फट फोटो खींच देंगे कि लोगों को पता लगना चाहिए कितना धार्मिक हो। हमारे सारे कर्म उल्टे सीधे करते हैं लेकिन वो निचले स्तर के हो जाते, क्योंकि वृत्ति हमारी आसक्ति और फल की इच्छा के आधार पर चल रही है। कर्म ऊंचे भी कर लोगे लेकिन यदि भाव ऊंचा नहीं है तो वो तो निचले स्तर पर आ गया। क्या जरूरत है हम यज्ञ कर रहे हैं तो सबको बता दें, सबके लिए किया जा रहा है तो सबको बताने की जरूरत क्या है? सबको बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उससे हमारा अहंकार पोषित होता है, उसमें अटैचमेंट आता है, उसमें एक रस आता है, उसमें लोग कीर्ति करते हैं, उसमें फिर मजा आने लगता है, लोग फिर वाह वाह करते हैं, वाह क्या बात है, आसक्त हो जाते हैं उन कर्मों के प्रति। जहां हमें कहीं कीर्ति मिलने लगे किसी कर्म से, बहुत मजा आता है, और वो कर्म व्यक्ति बार बार इसलिए करता है क्योंकि उसे कीर्ति मिले, इसलिए नहीं कि वो करना मेरा कर्तव्य है, नहीं, इसलिए कि मुझे उससे तो कुछ सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, मालाएं मिलेंगी, लोग मेरी तारीफ करें। हम आसक्ति के आधार पर अपने कर्मों को करने लगते हैं। ये कर्म अनासक्त भाव से हो, जुड़ के ना हो, ऐसे हो रहे हैं हमसे लेकिन मेरे द्वारा हो रहे हैं, मैं माध्यम बना हुआ हूं, मैं करने वाला नहीं। अनासक्त मतलब कि मेरे से हो रहे हैं, आसक्त मतलब मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं तो हर कर्म बांध लेगा, मेरे से हो रहे हैं तो कोई कर्म बांध नहीं सकता। तो यज्ञ तप और दान बांध ना ले हमको, इसलिए भगवान ने उसको और क्लैरिफाई कर दिया, उनको बताना जरूरी समझा कि ऐसा ना हो कि यज्ञ तप और दान में ही व्यक्ति चला जाए लेकिन वहां पर उनसे फल पाने लगे और आसक्त हो जाए उसमें, तो फिर वो यज्ञ तप और दान भी बिखर जाएंगे, विकृत हो जाएंगे। और यही हो जाता है कि हम पकड़ तो लेते हैं दान को लेकिन वहां पर फल की इच्छा और आसक्ति के साथ पकड़ते हैं। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, इन तीनों कर्मों को तथा
अन्य कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। क्या करके? आसक्ति और फल का त्याग करके, और यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। सबसे अब गीता का ही 18वां अध्याय चल रहा है। जैसे हर अध्याय के अंतिम श्लोक उस अध्याय का निचोड़ बता देते, ये 18वां अध्याय पूरी गीता के निचोड़ को बता रहा है। धीरे धीरे उन सब घटना, उन सब चर्चाओं, उन सब अभ्यासों, साधनाओं की बात भगवान यहां पर करने वाले हैं, जिसको जीवन में हमें अपना लेना होगा। तो इस तरह से ये 6ठा श्लोक यहीं पर आज पूरा होता है, और फिर आगे हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी कुछ समय हुआ है, कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ ध्यान कर लेते हैं। खोल लेते हैं अपने हाथों पैरों को, जरा पैरों को सामने फैला लीजिएगा, दोनों पैरों को सामने फैला लें, हाथों को पीछे रख लें, और पैरों के पंजों को आगे पीछे पूरा खींच लें, पूरा आगे, पूरा सामने, पूरा अपने तरफ, फिर से सामने, और बड़े से बड़ा एक सर्किल बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। घुमाते जाए अपने पैरों को, जरा खोल लो अच्छी तरह से। कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी पर बैठे बैठे पैरों को घुमा लीजिए, और नीचे पालथी लगाकर बैठे हैं आसन सजाकर तो फिर वैसे अभ्यास, पैरों को खोलकर पूरा घुमा लें अच्छी तरह से, छोड़ देते हैं और खड़े हो जाएंगे। और खड़े होकर जरा कंधों को घुमा लो, ऊपर पीछे नीचे आगे, पूरा कंधों को घुमा लो, फिर बदल कर भी घुमा लीजिए। हाथ साइड में, मुट्ठियां बंद और हाथों घुमाएं गोल गोल, टाइट करके हाथ पूरा घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, पूरा घुमाना, हाँ, मुस्कुराते हुए, उल्टा भी। हाथ कंधों के ऊपर, कोहनियां घुमाएं ऊपर पीछे नीचे आगे, अधिक से अधिक घुमाते हुए अपनी कोहनियों को, फिर बदलकर भी। छोड़ दीजिएगा हाथों की उंगलियां, फंसाएं हाथों को सिर के पीछे ले जाएं, एक तरफ खींचे पूरा, हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींचे पूरा, पूरा खींचो, फिर हाथ उठाकर बदलो, फिर खींचे, फिर से खींच ले एक बार, फिर से, और बीच में लाकर टाइट करें, और उठाएं हाथ को ऊपर और नीचे, पूरा ऊपर और नीचे, एक बार फिर से जी, ऊपर और नीचे, हाथों को नीचे ले आइए। करते हैं ताड़ासन, पैरों को मिलाकर उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, हाथों को उठाएं, सांस भरें और खींचे पूरा शरीर ऊपर की तरफ, एड़ियां भी उठा दो और खींचो, पूरा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खींचा हुआ, हाथ पीछे खींचे, खींच कर रखे, रोक कर रखे, जितना खींच सकते हैं खींचे, खींचे और खींचे, हर जोड़ पर, हर मसल्स पर, पूरी रीढ़ पर इसका प्रभाव पड़े। हाथ थोड़े पीछे तो ले जाओ, अच्छा मुस्कुरा तो लीजिए, थोड़ा खींचो पूरा, रोको और फिर वापस हाथों को आहिस्ता से नीचे ले आते हैं। पैरों को थोड़ा सा खोल लो, कंधों की चौड़ाई के बराबर अंतर, दोनों हाथ सामने सीधे कर लेते हैं, दोनों हाथों को ले जाएंगे एक साथ लेफ्ट साइड में, पीछे की तरफ घुमा दो, पूरा घूम जाए पीछे, और फिर वापस आकर राइट साइड में, दाएं तरफ, पूरा राइट साइड में घूम जाए पीछे की तरफ, फिर से वापस आकर लेफ्ट साइड में, और वापस आकर राइट साइड में, अधिक से अधिक कमर को घुमाकर कमर को हमने एक हल्कापन, लचीलापन दिया। छोड़ देंगे, पैर खुले हुए हैं, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, हाथ उठाए ऊपर, जरा झुक जाए लेफ्ट साइड में, ऊर्ध्वस्त तानासन, पूरा बाएं तरफ झुक जाओ, पूरा झुक कर रुक जाओ यहाँ पर, पूरा झुके हुए खींचो हाथों को, आंखें बंद, ध्यान कमर के साइड में पड़ते हुए खिंचाव को महसूस कर रहे हैं, और फिर वापस आकर दूसरी तरफ राइट साइड में चले जाओ, और झुको झुको झुको, मन में भाव की कमर पतली हो रही है, पूरा खिंचाव पड़ रहा है, और फिर धीरे से वापस
हाथों को नीचे ले आते हैं, जरा गर्दन को लेफ्ट और राइट, पूरा लेफ्ट राइट गर्दन को बार बार घुमाते हुए, इससे हल्का कर ले गर्दन को, घूम सकती है गर्दन लेकिन हम घुमाते ही नहीं। अब ऊपर और नीचे, पूरा ऊपर पूरा नीचे, एक हल्कापन दीजिए गर्दन की सारी मांसपेशियों को, छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे आराम से। करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास, सीधे बैठे हैं। कपालभाति षटकर्म का एक अभ्यास है, कपालभाति प्राणायाम नहीं, एक क्रिया है जो आसनों से पहले कर लेनी चाहिए। इसका काम है शरीर की सफाई करना, जैसे झाड़ू लगाकर घर की सफाई करते हैं, ये वायु के माध्यम से शरीर की सफाई कर देती है। शरीर में कहीं भी ऐसा कोई रोग नहीं है जहां पर कपालभाति का फायदा ना मिलता हो, बस कहां धीमे करना है, कहां मध्यम गति से करना है, कहां तेज करना है, वो एक अलग अलग देश काल पात्र के अनुसार उसकी जो स्थिति है, करने का जो तरीका है, वो ढंग बदल जाता है। अभी हम बिल्कुल सामान्य तरीके से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, सीधे बैठ जाएं। 3 राउंड कपालभाति के लिए, पहले राउंड पर अपने ध्यान को पेट पर रखना, दूसरे राउंड में ध्यान को वक्ष स्थल पर रखना, और तीसरे राउंड में अपने ध्यान को मन और मस्तिष्क के ऊपर रखेंगे। पहले राउंड में जब ध्यान पेट पर होगा तो ये भाव होगा कि पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ है, दूसरे में वक्ष स्थल, फेफड़े, हृदय, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, और तीसरे में मन मस्तिष्क के सब ऑर्गन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स सही प्रकार से पिट्यूटरी और पीनियल विशेष रूप से स्वस्थ हो रही हैं। शुरू करते हैं, सीधी बैठे हैं, आंखें बंद हैं, सांस को बार बार बाहर फेंकेंगे, पेट जाएगा अंदर की तरफ। हमारा काम है फेंकना सांस, सांस बाहर गया, पेट अंदर की तरफ आया। निकालते जाएं, ध्यान पेट पर रखें, यही भाव है कि मेरा आमाशय, मेरा लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, किडनी, ब्लैडर, माताएं, बहनें, ये भाव डालें कि ओवरी, यूट्रस, सबको, पेट के सारे अंग प्रत्यंगों को ताकत देने वाला ये अभ्यास हम कर रहे हैं, लगातार करते हुए जब तक कर सकें, पूरे मनोयोग से, मन पूर्वक करना, होश पूर्वक करना, पूरे ध्यान पूर्वक करना, मन को श्वास पर, अभ्यास पर, पेट पर, पाचन तंत्र पर टिका कर करना। और जब लगे कि अब आराम से हो नहीं पा रहा, तब रुकना, जबरदस्ती ना करना, गिनती ना गिनना, घड़ी ना देखना, बस अभ्यास में लीन हो जाना, शरीर अपना बता देगा बस। तो जब वो कह दे बस, तो समझो बस, विश्राम, आंखें बंद, कुछ पलों के लिए बैठे हैं अपने साथ, शरीर का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है कपालभाति से। दूसरे राउंड में ध्यान फेफड़ों पर और हृदय पर रखेंगे। शुरू करते हैं कपालभाति। बस ध्यान रखना, किसी को बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, माइग्रेन रहता हो, कमर दर्द की शिकायत ज्यादा हो गई हो, अल्सर की शिकायत हो, हर्निया हो गया हो, तो अवॉइड करना, बाकी करेंगे। निकालते जाएं, फेंकते जाएं, सांसों को बार बार लगातार बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, फेफड़ों की सामर्थ्य के माध्यम से ही सांसों को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं हम, जिससे छोटी छोटी फेफड़ों में वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए, शरीर में ऑक्सीजन बढ़ जाए, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ जाए। करते जाएं,
करते जाएं, हमारा हृदय स्वस्थ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, हार्ट के सारे फंक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं। ये भाव रखें कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिक एसिड, फैट, शुगर लेवल जो एक्सेस हो गया है, इस हीट से बर्न हो रहा है, मेरे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड भी स्वस्थ हो रही है, विश्राम। फिर शांत भाव से बैठे हुए एकदम शांत, तीसरा और अंतिम राउंड कपालभाति का करते हैं। सांस को बाहर फेंके, पेट को अंदर पूरी तरह से जाने दे। सांस जैसे बाहर निकला ऑटोमेटिकली अंदर भी बढ़ जाएगा। हमारा काम है सांस को बाहर फेंकना, करते जाइए, लगातार करते जाइए। मन में भाव सजाए रखें कि मेरी इंद्रियों की शक्ति इस अभ्यास से बेहतर हो रही है, सोचने समझने की निर्णय शक्ति, धैर्य शक्ति, संतुलन शक्ति, विवेक की शक्ति का विकास हो रहा है। ये भाव प्रबल करें कि मेरे दोनों मस्तिष्क, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उसमें सक्रियता बढ़ रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम संतुलित हो रहा है। जब तक थकान न लगे और उदान वायु जो पूरे मन और मस्तिष्क को कंट्रोल करती है उसके स्वास्थ्य को हम बढ़ा रहे, जब थकान लगे तो रुक जाना, विश्राम। शांत भाव से बैठे रहें, एक लंबा सांस भर लें और निकाल लें, फिर से भर लें निकाल दीजिए, पूरा भर लें और निकाल दें। करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, और नाक पर ले जाकर राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को निकालें बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए फिर लेफ्ट से भर लें और राइट से निकाल दें, फिर राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें, लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें। धीरे धीरे भरते जाएं, निकालते जाएं, ध्यान सांसों पर टिका है, सांस लंबा और गहरा है, इतना भरें कि मानो सब पूरा शरीर सांसों से भर गया हो, फेफड़े, डायफ्राम, इतना निकालें कि जैसे पूरे खाली हो गए हों। भरते जाना है, निकालते जाना है।
धीरे धीरे पूरा सांस भर रहे हैं, पूरा सांस निकाल रहे हैं। ध्यान सांसों पर टिका है, मन को शांत कर देने वाला यह अभ्यास जो हमारे शरीर को भी तनाव मुक्त कर देगा, मन को भी तनाव मुक्त कर देगा, मनोकायिक रोगों को दूर करने में लाभ पहुंचाएगा। पूरा भरकर निकाल रहे हैं, बार बार लंबा गहरा सांस भर जा रहा है और निकाल रहे। बुद्धि को पवित्र करने वाला, मन को एकाग्र करने वाला, प्राणों को सूक्ष्म करने वाला और शरीर के स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाला यह अभ्यास। अंत में राइट से भरकर लेफ्ट से निकाल देना। हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद है। मन की शांति को अनुभव कीजिए, शरीर के ठहराव को अनुभव कीजिए। करते हैं ओम का जाप। पूरा श्वास भर लें। ओम शांति ही, शांति ही, शांति। हथेलियां रगड़ लेते, गर्म कर लें, आंखों पर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को और फिर आहिस्ता से हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लेते हैं। हरिओम, आज के लिए इतना ही रखते हैं।